भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला। हमलावर ने चाकू से गर्दन पर 15 बार हमला किया है और अस्पताल में भर्ती है वो। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। इधर पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एफबीआई की छापेमारी में उनके घर से टॉप सीक्रेट दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने चली नई चाल और पीओके में एक बार फिर आजादी की गूंज। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों को जानिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर शुक्रवार को न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला तब हुआ है जब वो न्यूयॉर्क के चौटाउका इंस्टीट्यूशन में एक लेक्चर देने गए थे। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक हमलावर तेजी से मंच की ओर दौड़ा और सलमान रुश्दी के साथ साथ इंटरव्यूअर पर भी चाकू से हमला कर दिया। चाकू रुश्दी के गर्दन पर लगा। घटनास्थल पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने गंभीर रूप से घायल रुश्दी का प्राथमिक उपचार किया। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक मंच के नीचे खड़े लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही नकाब पोश हमलावर ने सलमान रुश्दी की गर्दन और सीने पर कई बार चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद रुश्दी मंच पर गिर पड़े। ये देखकर सभी लोग दहशत में आ गए। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने 25 साल के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमले की वजह को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि अपनी किताबों को लेकर रुश्दी के खिलाफ कई बार फतवा जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि हमले से ठीक पहले रुश्दी ने मेल लिखकर यूक्रेन के लेखकों तक मदद पहुंचाने की अपील की थी। इस हमले को इन दोनों एंगलों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सलमान रुश्दी की साल 1988 में लिखी किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दुनिया भर में खूब बवाल मचा था। इसी वजह से ही सलमान रुश्दी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए थे। ईरान में रुश्दी की किताब को बैन कर दिया गया था, जबकि ईरान के कट्टरपंथी नेता आयतुल्ला खुमैनी ने फतवा जारी कर रुश्दी का सिर कलम कर देने की धमकी दी थी। सिर कलम करने पर $2.8 मिलियन इनाम की घोषणा भी की गई थी, जिसे 2012 में बढ़ाकर $3.3 मिलियन कर दिया गया। यही वजह है कि रुश्दी बीते करीब 22 साल से अमेरिका में ही रह रहे थे। 19 जून 1947 को बॉम्बे में जन्मे सलमान रुश्दी की स्कूली शिक्षा मुंबई और इंग्लैंड में हुई। उन्होंने द सैटर्निक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन समेत कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, जिसके लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए रुश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन द सैटर्निक वर्सेस लिखने के बाद से उनके बुरे दौर की शुरुआत हो गई। सलमान रुश्दी की जान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका में उनके कार्यक्रमों के दौरान पुलिस सुरक्षा मिलती थी। पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के घर पर एफबीआई की छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। एफबीआई के मुताबिक उनकी टीम ने ट्रंप के घर छापेमारी के दौरान टॉप सीक्रेट दस्तावेज जब्त किए गए, जिनके गलत हाथों में पड़ने से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर नुकसान हो सकता है। आरोप है कि ट्रंप ने अपनी सरकार जाने के बाद भी इन दस्तावेजों को नई सरकार को नहीं सौंपा। ऐसे में अगर ट्रंप इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उन्हें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने बड़ा कदम उठाया है। ड्रैगन ने ताइवान की आगामी सैन्य ड्रिल को देखते हुए ईस्टर्न थिएटर कमांड के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। चीन ने ताइवान बॉर्डर पर पहले से तैनात सैनिकों को रोटेट करने का भी प्लान बनाया है, जबकि ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन कल से थाईलैंड के साथ एक बड़ी वॉर रिहर्सल की शुरुआत भी करेगा। इस ड्रिल के लिए चीन ने अपने डिस्ट्रॉयर और वार्निंग एयरक्राफ्ट भी भेजे हैं। ताइवान के करीबी इलाकों में चीन के किए गए सैन्य ड्रिल का अमेरिका ने जबरदस्त फायदा उठाया। चीन के इस ड्रिल से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कई खुफिया जानकारी इकट्ठा की है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने माना है कि उन्होंने ताइवान के नजदीक चीन की ड्रिल के दौरान इस्तेमाल किए गए वेपन सिस्टम और मिसाइलों के बारे में डेटा इकट्ठा किया है। साथ ही चीन की पूर्वी थिएटर कमांड इसकी रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक फोर्स की निगरानी से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं। पाकिस्तान के 75वें स्थापना दिवस 14 अगस्त से एक दिन पहले यानी आज पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान लाहौर में एक बड़ी रैली आयोजित करने वाले हैं, जिसमें वो सत्ताधारी दलों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इमरान ने इसे सच्ची आजादी की मुहिम बताया है। अप्रैल में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही इमरान मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रहे हैं।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से विद्रोहों की चिंगारी फूट पड़ी है। पाकिस्तान से अलग होने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। टायर जलाकर और रैली करके लोगों ने संविधान में बदलाव की मुखालफत की है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार संविधान संशोधन करके और POK में टूरिज्म अथॉरिटी की स्थापना करके यहां आर्मी का कब्जा मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम वैली के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।